नमस्कार, न्यूज लाइव प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता तिवारी। तीसरी में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, बाबूलाल समेत कई नेता हुए शामिल। गिरिडीह के तीसरी स्थित वर्णवाल धर्मशाला में भाजपा के 2 मंडलों का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत शनिवार को किया गया। शिविर की शुरुआत भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य अतिथियों ने पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। तीसरी में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, बाबूलाल समेत कई नेता हुए शामिल। गिरिडीह के तीसरी स्थित वर्णवाल धर्मशाला में भाजपा के 2 मंडलों का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत शनिवार को किया गया। शिविर की शुरुआत भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य अतिथियों ने पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए भाजपा नेता मरांडी ने कहा कि जिस प्रकार एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन और धन से कार्य करते हैं, उसी अनुसार नेताओं को कार्यकर्ता हित के बारे में सोचना चाहिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि देश के कई राजनीतिक दल वंशवाद की राजनीति में डूबे हुए हैं, सिर्फ भाजपा को छोड़कर। कईयों दलों में पति अध्यक्ष है तो पत्नी और बेटे सचिव और उपाध्यक्ष के साथ सांसद विधायक के पद पर बैठे हैं। ऐसे दलों से ना तो जनता के उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है और ना ही कार्यकर्ताओं की उम्मीद ही पूरी हो सकती है। 7 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार व घोटाले का एक दाग नहीं लगना, यह जाहिर करता है कि भाजपा एक वंशवाद से परे शासन देने में सफल रही है। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर को पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, प्रदीप शर्मा समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जबकि शिविर में कामेश्वर पासवान, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, रविंद्र पंडित, पूर्व अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, कोलेश्वर सिंह, सुनील साव, रामचंद्र ठाकुर, सुनील शर्मा, मोहन लाल, हरीश साह, लालू यादव और मनोज यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।